उर्दू खबर के मुअज्ज़िज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अगर आपको याद हो तो जब आप प्राइमरी से प्रमोट होकर सेकेंडरी स्कूल में आए थे तो आपने कई छोटे मोटे साइंसी तजुर्बात किए थे, जैसा कि पानी के भरे गिलास के ऊपर अगर पेपर रख कर उल्टाया जाए तो पानी जमीन पर नहीं गिरेगा। और आप ये ट्रिक दिखाकर अपने छोटे बहन भाइयों, कजन्स और दीगर दोस्तों को हैरान कर देते थे। खैर, वो तो छोटे मोटे तजुर्बात थे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे खतरनाक तजुर्बात दिखाएंगे जिनको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। साइंस की इन हरकत को देखकर आप यकीनन शिशतर रह जाएंगे। सबसे आखिर में जिस तजुर्बे के बारे में आप जानने वाले हैं, इसके बारे में आपने कभी भी सोचा नहीं होगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। तो आइए चलकर वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले हम आपको सबसे खतरनाक तेजाब क्लोरोसल्फ्यूनिक एसिड और माल्टे पर किए गए तजुर्बे के बारे में बताएंगे। क्लोरोसल्फ्यूनिक एसिड एक ऐसा तेजाब है कि यह जिस चीज पर भी गिरता है उसको जलाकर राख कर देता है। ऐसा ही एक तजुर्बा मिस्ट्री फ्लिक्स नामी एक यूट्यूब चैनल पर भी किया गया, जिसमें इस एसिड को एक माल्टे पर डाला गया। और आप भी इस वीडियो में देख सकते हैं कि इस तेजाब ने माल्टे को भी जलाकर राख कर डाला। इसी तरह फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड को भी देख लें कि यह किस हद तक खतरनाक होता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब एक लोहे का चम्मच इस एसिड में डाला गया तो यह पिघल कर खत्म हो गया। ऐसे में आप भी ये सोच रहे होंगे कि अगर ये एसिड इतना ही सख्त है तो गिलास क्यों नहीं पिघला। दरअसल ये कोई गिलास नहीं है, बल्कि ये एक स्पेशल किस्म के प्लास्टिक से बना हुआ एक कंटेनर है, जिसे टेलफोन कंटेनर कहा जाता है, जो एसिड्स को महफूज करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्यारे दोस्तों, पानी वाली पिस्तौल वो यादगार खिलौना है जिसकी मदद से हम दोस्तों और बहन भाइयों पर पानी फेंकते थे, लेकिन अब इस वीडियो में नजर आने वाली दो हीकल पानी वाली पिस्तौल से यह काम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इसकी एक वजह तो यह है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी पिस्तौल है, जिसे मार्क रोबर नामी यूट्यूबर ने खुद बनाया था। यह गन इस कदर ताकतवर है कि अगर इसको किसी इंसान पर चलाया जाए तो यह इसको एक गोली जितना नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखती है। इस गन को एक तजुर्बे के तौर पर बनाया गया था, लेकिन जब इसको बनाकर टेस्ट किया गया तो इसमें एक कोका कोला के कैन को भी फाड़ देने की सलाहियत थी। इसकी ताकत के कुछ नमूने आप भी देखें कि ये एक लाइन में खड़े किए गए कई शीशे के गिलासों को एक ही झटके में चिकनाचूर कर रही है, और ये मंजर वाकई हैरान कर देने वाला है। नाज़रीन ग्रामी, आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि हीरो अक्सर तलवार की धार की मदद से गोली के दो टुकड़े कर देता है। इस एक्शन को देखते हुए स्लोमो गाइज नामी यूट्यूब चैनल चलाने वाले चंद दोस्तों ने एक ऐसा ही तजुर्बा किया, जिसमें इन्होंने एक कुल्हाड़ी लेकर उसको एक जगह पर फिक्स कर दिया और दूसरी तरफ से एक पिस्टल को फिक्स करके कुल्हाड़ी के बिल्कुल ऊपर गोली चलाई। और फिर हैरान कुन बात यह है कि यह गोली दो हिस्सों में कट गई, जिसे देखकर यह नौजवान भी हैरतजदा हो गए। मुअज्जिज दोस्तों, आजकल के फोन्स में फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन दिया जाता है, जिसके जरिए सेल फोन चंद मिनट्स में ही चार्ज हो जाता है। लेकिन अंदाजा करें कि जब 100 चार्जर्स को इकट्ठा करके एक फोन को चार्ज करें तो उस फोन का क्या हशर होगा। क्या एक चार्जर की मदद से चार्ज किया जाने वाला फोन जल्द चार्ज होगा, या फिर 100 चार्जर्स के जरिए चार्ज किए जाने वाला फोन पहले चार्ज हो जाएगा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जिस आईफोन को 100 चार्जर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है वो 50% चार्जिंग दूसरे आईफोन की निस्बतन जल्दी मुकम्मल कर लेता है, और 100% तक पहुंचते पहुंचते इन दोनों में सिर्फ 5 मिनट का फर्क ही देखने में आता है, जो कि बिल्कुल एक हल्का सा फर्क है। खैर, जो भी हो, इन 100 चार्जर्स को एक ही चार्जिंग पिन के साथ जोड़ने के लिए जो तरीका अपनाया गया वो सच में कमाल और काबिले तारीफ था। प्यारे दोस्तों, आपको अक्सर जमीन पर मिट्टी के मखसूस छोटे छोटे ढेर देखने को मिलते होंगे, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। आपको बताते चलें कि चींटियों के रहने की जगह होती है, जहां जेरे जमीन ये चींटियां अपना घर बनाकर रहती हैं। इन छोटे छोटे सुराखों के नीचे चींटियों की एक पूरी दुनिया आबाद होती है। हर चींटी का अलग रहने का ठिकाना या कमरा होता है, जिन्हें चैम्बर्स कहा जाता है। जमीन के नीचे बनाए गए ये घर कैसे होते हैं, इस बारे में तफसील से जानने के लिए एक यूट्यूबर ने चींटियों के एक खाली घर में एल्यूमिनियम को पिघलाकर डाला और ठंडा होने पर उसको बाहर निकालकर वॉश किया, तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि जेरे जमीन इनकी एक दुनिया आबाद थी।
चींटियों की यह दुनिया किसी भूल भलाइयों से कम नहीं है, जिसमें बहुत से कमरे भी देखने को मिले हैं। प्यारे साथियों, अब हम आपको सबसे बेहतरीन तजुर्बे के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो में दिखने वाले लोगों ने मछली को पकाने या फ्राई करने का अलग ही तरीका सोचा। इन्होंने इस मछली को माचिस की हजारों तीलियों में लपेट कर रखा और फिर उनको आग लगा दी, और आग बुझ जाने के बाद जब इन्होंने इस मछली को निकाला तो ये पूरी तरह से पक चुकी थी, और इस तरह इनका ये तजुर्बा बिल्कुल कामयाब रहा, जो कि वाकई हैरान कुन तजुर्बा है। क्या आप भी ऐसा तजुर्बा करने की ख्वाहिश रखते हैं? कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। नाज़रीन मोहतरम, कुछ ऐसे साइंसी तजुर्बात भी किए गए कि जिनके दौरान होने वाले हादसात के सबब नई चीजें दरियाफ्त हुई। जैसा कि सेब के दरख्त के नीचे बैठे हुए न्यूटन के सर पर फल गिरना एक इत्तेफाक था, जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि कोई भी वजनी शय तेजी से जमीन की तरफ ही क्यों आती है, और यूं कश्य सकल का नजरिया और एक आम तरीन दरियाफ्त सामने आई। इसी तरह साइंस की दुनिया में कई ईजादात और दरियाफ्तें ऐसी हैं जिनकी बुनियाद कोई हादसा था। 19वीं सदी में मुख्तलिफ साइंसी तजुर्बात के दौरान ऐसे इत्तेफाकी और हादसाती वाकयात पेश आए जिन्होंने दरियाफ्तों और इंकिशाफात का रास्ता हमवार किया। 19वीं सदी तक नाइट्रोग्लाइसरीन का इस्तेमाल आम था। यह सन 1833 की बात है जब अल्फ्रेड नोबेल उन मुमकिन तरीकों पर गौर कर रहा था जिनकी मदद से नाइट्रोग्लाइसरीन को हादसाती तौर पर फटने से रोका जा सके। मशहूर है कि इससे मुतल्लिक सोच विचार और तजुर्बात के दौरान ही एक रोज नाइट्रोग्लाइसरीन का एक कनस्तर लीक हो गया और उससे खारिज होने वाला मादा बगैर जले लकड़ी के बुरादे में जज्ब होने लगा। जब बुरादा खुश्क हो गया तो अल्फ्रेड नोबल ने उसे आग लगाई और वो अपनी खासियत के मुताबिक फट गया। ये मामूली हादसा नाइट्रोग्लाइसरीन की जगह मकामी इदारों और फौजी जरूरत के लिए महफूज और कंट्रोल्ड डायनामाइट ईजाद करने का सबब बना। दोस्तों, ये 1839 की बात है जब केमिस्ट चार्ल्स गडायर ने तजुर्बागाह में रबड़, सल्फर और शीशे का आमेजा तैयार किया और वो अचानक इनके हाथ से फिसल कर फायर स्टोव पर जा गिरा। इस मामूली हादसे ने दरियाफ्त और ईजाद का नया रास्ता खोल दिया। केमिस्ट चार्ल्स गडायर ने मुशाहिदा किया कि आमेजा पिघलने की बजाय ठोस शक्ल इख्तियार कर गया है, जिसकी बैरूनी सतह सख्त और अंदरूनी सतह नरम थी। यूं हादसाती तौर पर दुनिया का पहला वल्कनाइजिंग टायर बना और ये ऑटोमोबाइल की सनत के लिए निहायत कारामद और मुफीद साबित हुआ। इसी तरह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में इन्फ्लुएंजा वायरस को कंट्रोल करने के लिए काम शुरू किया और इस दौरान उसे 2 हफ्ते की रुख्सत पर जाना पड़ा। वो छुट्टियों के बाद वापस आया तो उसने देखा कि लेबॉरेटरी के जिस ट्रे में उसने बैक्टीरिया कल्चर किए थे उस पर फफूंदी जम चुकी है, और इसका मुतालिया करने पर मालूम हुआ कि फफूंदी ने बैक्टीरिया की अफजाइश रोक दी थी। यूं एंटी बैक्टीरियल इदवायात के लिए आगे चलकर ये फार्मूला कारगर साबित हुआ और कई किस्म की इदवायात आज भी इसी तरीकेकार की मदद से तैयार की जाती है। जी तो उर्दू कवर के प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो, और हमें यकीन है कि आज की इस वीडियो से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इन कीमती मालूमात से मुस्तफीद हो सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान।